केरल की वायनाडा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। वह बुधवार को नामांकन करेगी। इस दौरान वायनाडा में एक बड़ी रैली होगी जिसमें प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई और वायनाडा से पूर्व सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे कल्पे न्यू बस स्टैंड में रोड शो का नेतृत्व करेंगी। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी के नामांकन में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य के स्तरीय नेताओं को भी अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां पे मौजूद रहने की उनकी संभावना है। पिछले सप्ताह चुनाव आयोग द्वारा वायनाडा लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई थी। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रही है। वायनाडा सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी। वायनाडा लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए कि उन्हें प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया है। कांग्रेस ने जून में ही घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से रायबरेली संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखेंगे और केरल में वायनाडा सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी अपना चुनावी पद बर्न करेंगी। अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीतती है तो यह पहली बार होगा कि वहां सांसद के तौर पर संसद में प्रवेश करेगी। यह भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के तीन सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में होंगे। वहीं बीजेपी ने वायनाडा लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नवांगन में उतर गई है। यह सीट राहुल गांधी के इस साल के संसदीय चुनाव में दो सीटों पर जीत के बाद उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को बरकरार रखने के फैसले के बाद खाली हुई थी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष नेता हैं। राहुल गांधी सीट खाली करने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उनके चुनावी प्रदर्शन पर वायनाडा में उतार दिया। यह फैसला गांधी परिवार द्वारा इस निर्वाचन क्षेत्र को दिए जाने वाले रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अब बीजेपी ने भी एक महिला उम्मीदवार को प्रियंका गांधी के खिलाफ खड़ा करके इस चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। नवीन अगर बात करें तो वह 39 साल की है। उनके पति का नाम शोभन श्याम है। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर है। नव्या हरिदास भी एक ग्रेजुएट है। उन्होंने MCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीघाट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक किया है। वह कोझिकोड सहकारिता से पार्षद भी रह चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि उपचुनाव में कौन जीतती है, बीजेपी की महिला उम्मीदवार या फिर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार। यह चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है और इस चुनाव में जीतेगा कौन ये पूरे देश का इंतजार है। वैसे दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।